हेलो फ्रेंड्स, आज के स्नैप ब्लॉग में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं सुबह अभी पार्क जा रहा हूँ और महीनों बाद मतलब आज मॉर्निंग वॉक के लिए जाना हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि कोरोना की वजह से मतलब सबने पार्क में जाना बंद कर दिया था। तो चलते हैं आज और देखते हैं कि आज पार्क में कितनी भीड़ है। काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ इस टाइम में, तो थोड़ा सा मैं भी देखूँ कि आज कितनी भीड़ है पार्क में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं पार्क के काफ़ी करीब आ चुका हूँ और ये लीजिए, ये रहा पार्क का एंट्री गेट। तो चलिए पार्क में हम प्रवेश करते हैं और पार्क की आज हालत को देखते हैं क्या। चलिए फ्रेंड्स, इस पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है कि इस पार्क के नवीनीकरण का कार्य, अब देखिए जिन्होंने करवाया उनका तो इन्होंने नाम ही कट कर दिया है, लास्ट में निगम पार्षद दिख रहा है। चलिए दोस्तों, हमारे इंडिया में होता रहता है कि जब कोई एक काम करवाता है, नेक्स्ट टाइम जब दूसरा कोई यहाँ पर विधायक आता है तो उसका नाम कटवा देता है ताकि लोगों को पता ना चल पाए कि किसने बनवाया है। खैर छोड़िए, चलिए अब हम पार्क के दूसरे साइड चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी काफ़ी लोग दिख रहे हैं एक्सरसाइज करते हुए, यानी कि लोग अब पार्क में आना शुरू हो गए हैं। आपको कुछ लोग वॉकिंग करते हुए भी दिखेंगे, कुछ रनिंग, कुछ जॉगिंग, मतलब पार्क में लोग अब आने लगे हैं। बट फ्रेंड्स, एक चीज़ तो सब हर किसी को ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि हम लोग अपने आप को हेल्दी रखने के लिए पार्क तो आ रहे हैं, बट हम लोग को मास्क लगा के तो आना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, पार्क में आज काफ़ी लोग मतलब दिख रहे हैं। मैंने कहा था कि आपको कुछ लोग दिखेंगे जॉगिंग करते हुए, कुछ एक्सरसाइज करते हुए, मतलब लोगों ने आना शुरू कर दिया है। बट दोस्तों, एक बात तो सबको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोरोना अभी गया नहीं है। ठीक है, हम पार्क आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, बट हमको चाहिए कि हम इस बात को भी ध्यान में रखें कि कोरोना फैले ना। तो उसके लिए जो भी है, मास्क पहन के आना है, सैनिटाइजर रखना है जिम में, तो वो सब तो हमको करना ही पड़ेगा। बट अब लोग धीरे धीरे घर से निकल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम घर में ज़्यादा दिन रह भी नहीं सकते हैं। सो लोग अब आना चालू शुरू कर दिए हैं। और फ्रेंड्स, ये रहे हमारे पार्क के वॉलीबॉल के प्लेयर्स। दोस्तों ये लोग मतलब काफ़ी टाइम से यहाँ पर आते हैं और सुबह में खेलते हैं ये लोग, मतलब ये नहीं कि आज ये लोग आए हैं, मतलब सालों से ये लोग इसी पार्क में आ रहे हैं और डेली सुबह 1 से 1.5 घंटा ये लोग वॉलीबॉल खेलते हैं। और बेसिकली ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो ये लोग हमारे मार्केट में मतलब इनका शॉप्स है। ये लोग बेसिकली बनिया समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो ये लोग सुबह सुबह अपने आप को फ्रेश करते हैं, एनर्जेटिक करते हैं वॉलीबॉल खेल के, और दिन भर फिर काम करते हैं पूरे दिल से मन लगा कर। इसलिए सुबह ये लोग खेलने आ जाते हैं, हमारे पार्क के ये लोग वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं। और फ्रेंड्स, इन अंकल जी लोगों को देखिए, ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के बीच में कुछ खुफिया जो जानकारी है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, उसका आदान प्रदान हो रहा है। खैर छोड़िए, ये तो मजाक था, बट ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े हैं। तो ये काफ़ी मतलब अच्छी बात है कि लोग इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि बात भी इनको करना है किसी मुद्दे पर, अगर ये लोग बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये लोग दूरी बनाकर खड़े हैं। तो हमको भी यही ध्यान देना होगा कि हम पार्क आ रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, बट वी हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस, एंड जो 2 गज की दूरी है वो तो हमको बना के रखना ही पड़ेगा।
सो फ्रेंड्स, काफ़ी देर जॉगिंग और वॉकिंग के बाद अब मैं इस एरिया में आ रखा हूँ। काफ़ी छोटा सा और प्यारा सा जगह है और ये मेरा फेवरेट जगह है इस पूरे पार्क में। तो एक बार मैं आपको चारों तरफ घुमा के दिखा देता हूँ। देखिए, चारों तरफ से बेंच लगा हुआ है। चलिए देखते हैं इस पे लिखा क्या है। यह बेंच विधायक को से लगवाए गए हैं दिल्ली सरकार। तो चलिए, कम से कम यहाँ पे तो हमको दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है। इस पे भी वही लिखा हुआ है, मतलब सब पे एक ही चीज़ लिखा हुआ है। चलिए, अच्छी बात है कि दिख रहा है हमको। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने जो आपको दिखाया था कि चार बेंचेस हैं, मैं उन्हीं में से एक को सेलेक्ट करके उस पर बैठ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा देर रिलैक्स होऊंगा और फिर इसके बाद मैं घर जाऊंगा, क्योंकि मैं जब भी वॉकिंग या रनिंग करता हूँ तो उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी शांति है इधर और चारों तरफ पेड़ है तो हवा भी यहाँ पे अच्छा आता है। तो यहाँ पे रिलैक्स हो जाता हूँ, नॉर्मल हो जाता हूँ, उसके बाद फिर घर जाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, और हमको सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोग भी और जिन लोगों ने अब तक इस वीडियो को नहीं देखा वो लोग भी इस वीडियो को देखें, और वो भी देखें कि मतलब दिल्ली में लोग अब नॉर्मल हो गए हैं और कोरोना के साथ साथ वो अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, जिसको जो काम है कर रहे हैं, और मॉर्निंग वॉक के लिए भी अब आ रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग अब सब कुछ ध्यान में रखते हुए कि मतलब कोरोना है तो इसके साथ ही हमको अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, लोग सीख रहे हैं। तो मॉर्निंग वॉक के समय भी आए तो सब ने मास्क लगा रखा था, और फ्रेंड्स मैं भी मास्क पहन कर आया हूँ, बट अभी मैंने खोल रखा है क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो सब लोग मास्क लगा के यहाँ पे कर रहे हैं रनिंग वॉकिंग, जिनको जो एक्सरसाइज करना है। कुछ लोग मुझे दिखे जिन्होंने नहीं लगा रखा था, तो खैर छोड़िए, वैसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे जो कि जिनको रूल्स को तोड़ना ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, वंस अगेन, अगर मुझे सपोर्ट करना है, मेरे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा मतलब लोगों तक पहुंचाना है, तो इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।